हेलो गाइस, बखैर रंगले। तो कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि ठीक होंगे। अच्छा तो चलते हैं अपने मिशन की तरह बिना किसी चुतियापे के। लेकिन कभी कभार चुतियापे भी अच्छा होता है। लेकिन कोई नहीं, मिशन ब्लैक प्रोजेक्ट। Hail, fellow, well met. ये आवाज़ तो कुछ जानी पहचानी है। ये तो ट्रुथ Namaste. की आवाज़ है, ट्रुथ। Peace, Carl, my brother. Hey, Truth, where you at? Just checking that you are no longer on government business. Where is he? How the fuck would I know, man? He like the devil. Hey, man, you okay? Everything is transient. Man, I'm passing through life same as every man. Okay. Do you have any idea what you're doing for Torino? Nah, I seem to be on the need-to-know basis. Oh, no, man. Two lies don't cancel each other out. You know that. We pay them to lie to us. Is that what our founding fathers wanted? No more, friend. No more. We're not alone. Get off me, man. What's going on? Everything is going on. Don't you get it? There's a place, not even on the map. A train is about to leave. It can explain better than I ever can. Boy, this is going to blow your fucking mind. We got work to do. You better drive. I'll explain. The elegance does not even touch it. हर किसी को पता है कि सीजे सही ड्राइविंग करता है, लेकिन ये नहीं पता कि उसे हर बार हम मजदूर बनाते हैं और खर्चा पानी भी नहीं देते। तो कोई बात नहीं, हम चले जाते हैं। वैसे बता दूं भाइयों कि इस बार मैं आपको बता नहीं पाऊंगा कि इस पागल ने मुझे क्या कहा, लेकिन हम इसी से गुजारा कर लेंगे। द इजीस्ट वे इन टू द एरिया 69 बंकर एक कम्प्लेक्स इज थ्रू द ब्लास्ट डोर। टू ओपन दिस गो टू द कंट्रोल रूम। तो हमें यहाँ 69 एरिया या सर्च, जो भी इसे कहते हैं, हम यहाँ पर आ गए और यहाँ पर मिलिट्री है, तो ये मिशन काफ़ी मुश्किल होने वाला है। लेकिन नहीं, हम कर लेंगे किसी भी तरह से। यू मस्ट गेन एंट्री टू द रिसर्च जॉब तुमसे ना हो पाएगा। बिफोर सर्वाइव्स। ओपन द ब्लास्ट डोर्स बाय एक्टिवेटिंग द स्विच। ये चूतिया क्यों जल्दी हटा देते हैं? तो हमें इन सब से निपटना है। निपट लेंगे, कोई बात नहीं, हम निपट लेंगे। हमें सबसे पहले इन लाइट्स को ऑफ करना है, वरना हम एक्सपोज हो जाएंगे। यहाँ पर तो एक दू खड़ा हुआ है। ओए कुत्ते, डरा दिया मुझे। इनके पास तो कलाशनकोव M4A1 जिसे हम कहते हैं, ये बड़ी प्यारी बंदूक होती है। तो कोई है ऊपर? नहीं है। तो हमें इन लाइट्स को ऑफ करना है। कहाँ से ऑफ होगी? लगता है शीशे पे मारने से ही होगी। ए लगा, ए लगा। तो हमें इनको मारना है, वरना ये हमें तंग करेंगे। देखा, एकदम सीजे गुलाटियां मारते हुए, लोगों को मारते हुए। हमें इस मिशन को एकदम बढ़िया तरीके से करेंगे, करना पड़ेगा हमें। ए कौन है, कौन है, किधर से मार रहा है ये रचूते? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। ये तू पीछे छुपा हुआ था। देखो यार, मैं एक शरीफ खानदान से हूँ। मैंने जिंदगी में कभी किसी को ना माँ की गाली दी और ना बहन की, और ना दूंगा। बड़े हरामी हो बेटा। लेकिन ये मुझसे
लाजमी है गाली निकालेंगे मुंह से। ये डरा देते हैं पीछे से क्यों कौन हमला करता है। ये रहा आगे, इसको देख, इन दद्दू को देख। अपने पास हील नहीं है बेटा सीजे। तो हमें आर्मर चाहिए तो हमने ले लिया। अपने पास हील नहीं है ना यार, हमें किसी तरह से भी बचना है। ये क्या चीज़ है, ये थर्मल, इसको मणक कौन लगाएगा। जा ये दिया क्यों है मुझे, मैं अब स्नाइपिंग करूँगा। स्नाइपर, एक मिनट एक मिनट, इसको पहले लग गया। ये अच्छा बंदा था, इसने कुछ नहीं कहा मुझे। हमें स्नाइपर का यूज़ करना ही पड़ेगा, इतनी दूर नहीं जा सकते। एक एक के पास जाऊंगा तो ये बहुत टाइम ले लेगा, तो हम स्नाइपर का यूज़ करते हैं, सबको भी मार देंगे और इन लाइट्स को भी ऑफ कर लेंगे। एकदम बढ़िया से मारेंगे हम। दिस इज़ अ कोड रेड ऑल पर्सनल एडॉप। यार क्यों चला जाता है, मुझे पहले से इंग्लिश नहीं आती। तो हमें इन सब लाइट को भी ऑफ करना है और इन बंदों को भी ऑफ करना है। और जाना है अंदर, कुछ चीज़ लेके आना है मुझे लगता है, कोई प्रोजेक्ट या कुछ चीज़ है। उस पागल की बात बिल्कुल मुझे समझ नहीं आती, वो क्या कहता है मुझे क्या, किसी को समझ नहीं आती। बस हमें अंदर जाना है, हमें यही मिशन दिया है तो हम अंदर जाएंगे। पहले इन सब को निपटा ले। हाँ देखा ना आप लोगों का भाई एकदम अच्छे तरीके से स्नाइपर चलाते हैं, मुझे स्नाइपर बहुत ज्यादा पसंद है। एक स्नाइपर और एक स्लेंसर वाली बंदूक 9mm। अच्छा एकदम बढ़िया से हमने सबको साफ कर लिया और अब चलते हैं बेस की तरफ, जहाँ पर वो प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है, जो भी है वो। हमें नहीं पता कि क्या है। तो हमें यहाँ तो कुछ भी नहीं है, मैप में इतना बड़ा निशान दिया हुआ है और मुझे दिख ही नहीं रहा। तो चलते हैं। हाँ तो मैं इन निशान को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, पहले मुझे खुद भी नहीं मालूम था। आप देख रहे हैं ना मैप में ये उल्टा ट्रायंगल बना हुआ है, इसका मतलब अगर उल्टा ट्रायंगल हो तो नीचे जाना है, हमारा मिशन नीचे है। अगर सीधा ट्रायंगल हो तो हमारा मिशन ऊपर की तरफ है, और अगर स्क्वायर हो तो हम बिल्कुल लेवल पे होते हैं उस मिशन के। तो मेक योर वे, देयर आर सिविल मिलिट्री पर्सनल ऑन अ पेट्रोल थ्रू आउट द इंस्टॉलेशन। द कंट्रोल रूम विल अलाउ यू टू डीएक्टिवेट जो भी है। गो एंड फाइंड द ब्लैक प्रोजेक्ट। तो हमें इस ब्लैक प्रोजेक्ट को ढूंढना है और लेके जाना है। तो इन्हें भी पता चल गया है कि सीजे अंदर आ चुका है। एकदम स्लाइंसर से मारेंगे, स्लाइंसर से। ये क्या कर रहा है, तो हमें हमारा आर्मर तो फुल है और हील भी फुल है। ओए कौन है, इन्हें नहीं पता कि सीजे ने ऋतिक रोशन से क्लासेस लिए, तो सीजे को मारना इतना आसान नहीं है। तो सीजे एकदम बढ़िया से अंदर आ चुका है। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। हाँ, मेरे को भी। ये तो ब्लैक है लेकिन प्रोजेक्ट नहीं लग रहा। तो हमें अंदर जाना चाहिए
ढूंढना पड़ेगा, इस प्रोजेक्ट को ढूंढना पड़ेगा। ए डॉक्टर साहब रुक जाओ, एकदम बढ़िया से मेरे लिए खड़े हो जाओ, एकदम मैं चाहता हूँ कि ये सब एक लाइन में खड़े हो जाए मेरे लिए और मैं उनको मारूं और ये कुछ भी ना कहे मुझे। कभी कभार बढ़िया हेड लग जाता है तो अपना आर्मर फुल, वैसे हेल्थ का भी ख्याल रखना पड़ता है। मैंने आप सबसे शुरू में कहा था ना GDS एन एंड रियाज शुरू करते वक्त के GDS एन एंड रियाज की स्टोरी बढ़िया है, लेकिन कुछ मिशन ऐसे आ जाते हैं कि हमारी हाथ में आ जाती है तो ऐसे तो हर गेम में होता है, लेकिन मुझे मुश्किल गेम काफ़ी पसंद होते हैं। जो तंग करते हैं वो नहीं पसंद, लेकिन GTA San Andreas की स्टोरी बढ़िया इसलिए मैं खेल रहा हूँ ये। तो देखते हैं यहाँ पर कौन है। हमें प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द ढूंढना पड़ेगा क्योंकि ये गेम प्ले, ये मिशन काफ़ी लंबा हो गया है। ओए बोले था ना मैंने ऋतिक रोशन से क्लासेस लिए है तो मारना मुश्किल है सीजे को। आपने पास बड़ी बंदूकें हैं लेकिन स्लाइंसर का यूज़ करना एक अलग ही मज़ा देता है। और ये सारे बहरे हो गए क्या, इनके बिल्कुल पास पास गोलियां चल रही हैं, इन्हें बिल्कुल परवाह ही नहीं है। सीजे ने कुछ क्लासेस बंक की है तो कभी कभार झटका खा लेता है और गोली भी खा लेता है, वरना सीजे तो एकदम ऋतिक रोशन की तरह है। तो हम आ गए, तो हमें कार्ड चाहिए। कार्ड किधर है? कार्ड, कलेक्ट द की कार्ड एंड ओपन द डोर। हम तेरे को भी नहीं जोड़ेगा, मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं। रुक तू एक जगह पर खड़ा हो जा। द ब्लैक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द लॉन्च बॉय। तो हमें अभी दूसरी बंदूक का यूज़ करना ही पड़ेगा क्योंकि हमें मिशन में तेज़ी लानी है और अपने पास इतना टाइम नहीं है। ये कौन है, कौन है जो गब्बर को मार रहा है? गब्बर नहीं, इसी जे को कौन मार रहा है? सीजे कुछ ज़्यादा गुलांटियाँ मार रहे हैं, नीचे ना गिर जाए। अगर तू मर गया ना कुत्ते तो तुझे मैं कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन तुझे मैं खाना नहीं खिलाऊँगा। मिलिट्री वालों के पास कैश भी बढ़िया है तो अपने को कैश भी चाहिए। ये तो कुछ ज़्यादा ही सीढ़ियाँ हैं। सीजे थक गया ना, सीजे कुछ कर। तो हम बस लगता है ख़त्म हो गए। ये क्या है, ये तो ये प्रोजेक्ट है। यू हैव फाउंड व्हाट द ट्रूथ वांटेड, यू मस्ट एस्केप बाय यूजिंग द जेट पैक। ये मांग रहे थे, ये तो मैंने एक जगह पर देखा था कचरे में। ये ब्लैक प्रोजेक्ट है तो हमें यहाँ से निकलना है, हमें इस मिशन पर थोड़ा फोकस करना है। मुझे क्या, इन्होंने कितनी रकम बताई? 60 करोड़। इसमें 60 करोड़ लगे? ये तो 100 रुपये की मिल जाती है यहाँ पर एक बाज़ार में, चोर बाज़ार में। तो हमें ये प्रोजेक्ट लेके जाना है उस पागल के लिए, ट्रुथ के लिए, जो चाहता था। पता नहीं अभी ये उसकी बातें क्यों मान रहे। मैं समझा, मैं टीबोन के सारे, टीबोन नहीं, टीबोन को तो मैंने मार दिया है, और माइक टोरिनो की
सारे मिशन कर लूँगा, लेकिन बीच में ये पोता आ गया। तो हमें ये प्रोजेक्ट उसके लिए लेके जाना है, ये उसे चाहिए। काश के वो इसे इसे टेस्ट करते वक्त मर जाए, गिर जाए ऊपर से। मैं इस गेम में हर किसी को मारना चाहता हूँ। एक जीजो को छोड़ के हम सबको मारना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं। तो हम पहुँच के ट्रुथ को ये दे देते हैं, सच्चाई किधर है? तो सच्चाई मैं आ गया हूँ, सच्चाई। तो अपना मिशन हो गया कम्प्लीट भाइयों। मैं चीज़ें को लेके चलता हूँ और हम मिलेंगे अगली वीडियो में। ये रास्ता बहुत ज़्यादा नहीं दिखा सकता, आप बोर हो जाएंगे।